हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। ये देखिए, ये मुल्तानी मिट्टी का एक बड़ा सा बिग चंक्स है और आप चाहते हैं कि इसकी लेयर बिल्कुल अलग अलग निकले, बिल्कुल इस तरीके की जैसे ये हैं, इस तरीके की पतली पतली लेयर। तो और जो आप इसको रोस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तोड़ना भी नहीं चाहते, तो मैं आज उसका आपको एक तरीका बताती हूँ। आप पानी ले लें और पानी में मुल्तानी मिट्टी को आप डिप कर दें। ये देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ी देर हो गई है मुझे ड्रिप किए हुए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस बड़े आराम से इसको बाहर निकाल लीजिए और इसको प्लेट में रख दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, इसको जितना पानी पीना था इसने पी लिया। ये देखिए, और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर पोर कर दीजिए। बस अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है और इसको अब आप रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये सुबह हम देखेंगे इसकी कितनी लेयर खुली हैं। चलिए सुबह मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भिगोए हुए मुझे एक पूरा दिन हो गया और अब देखिए मैं इसको इसकी लेयर निकालती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसकी लेयर अब खुद ब खुद निकल आएंगी। इसको ना तो हमने रोस्ट किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी भी सूखी नहीं है। ये जैसे जैसे सूखेगी इसकी सारी लेयर बाहर निकलती आएंगी। ये देखिए, इसकी सारी लेयर बाहर आ गई है। ये देखिए, ऑलमोस्ट इसकी सारी लेयर बाहर आ गई है। ये देखिए, मैंने एक टुकड़ा डाला था और ये देखिए इसके कितने सारे चंक्स, कितनी सारी लेयर इसकी जो है खुल गई है। ये देखिए, और इसको हमने ना रोस्ट किया है और ना ही हमने इसको तोड़ा है, सिर्फ पानी में थोड़ी देर। ये अभी थोड़ी सी अंदर से गीली है, ये थोड़ी सी जब ये सूखेगी तो इसके इसमें से भी लेयर निकलेंगी। जैसे जैसे ये सूखती जाएगी इसकी लेयर जो है वो आपस में से अलग होती जाएंगी। बस आपको करना ये है कि थोड़ी देर पानी में रखना है और उसके बाद पानी से निकाल के इसको सुखा लेना है। इससे इसकी सारी लेयर जो है ना वो खुल जाती हैं, इसकी पूरी लेयर जो है वो खुल जाती हैं और टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं आता है। कि मैं आपको क्रंच करके दिखाती हूँ।
वो फर्क है। पर्सनली मुझे मुल्तानी मिट्टी काफी पसंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी लेयर खुल गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। बाय, राम राम जी।